आयोजक है मटकू मंगलम टावर बोलघर गोरखपुर। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी ने कहा, जनपद में बाढ़ की स्थिति को लेकर जिला प्रशासन है सतर्क। जिला स्तरीय अधिकारी और कंट्रोल रूम से की जा रही है तटबंधों की मॉनिटरिंग। राशन किट का किया जा रहा है वितरण। पशु चारा और टीकाकरण की भी की गई है व्यवस्था। स्थिति नियंत्रण में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना तथा मुख्यमंत्री आवास योजना के 5.51 लाख लाभार्थियों को किया घर की चाबी का वितरण। कार्यक्रम का बटन दबाकर किया शुभारंभ। 5 जनपद के लाभार्थियों से किया वर्चुअल संवाद। लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री योगी तथा प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जताया आभार। उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने बुधवार को किया मनौली बंधे का निरीक्षण। लोगों को किया आश्वस्त, कहा डरे नहीं, सरकार है आपके साथ। पिता की पिटाई का वीडियो बना रही गगा थाना क्षेत्र निवासी छात्रा काजल के हत्या स्थल का एडीजी जोन ने किया स्थलीय निरीक्षण। अभियुक्तों पर घोषित इनाम की राशि बढ़ाकर किया 1 लाख, लगाया एसटीएफ, कहा ऑपरेशन शिकंजा के तहत होगी अभियुक्तों की गिरफ्तारी। काजल के परिजनों को मिलेगा न्याय। बुधवार को मीडिया से रूबरू हुए प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह, कहा बाढ़ प्रभावित लोगों को राशन के साथ दिया जाएगा कपड़ा। नेपाल और उत्तराखंड द्वारा पानी छोड़ने से बाढ़ की स्थिति हुई है उत्पन्न, जल्द होगा समस्या का समाधान। कैंट थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन रोड स्थित एक होटल में बुधवार की दोपहर संदिग्ध परिस्थितियों में रोडवेज चालक की मिली लाश। तफ्तीश में जुटी पुलिस। SVCT ने कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगी स्थिति स्पष्ट। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में संपन्न हुई बाढ़ से बचाव की समीक्षा बैठक। रात्रिकालीन गश्त बढ़ाकर तटबंधों की निगरानी के साथ स्वास्थ्य महकमा को भ्रमणशील रहने के दिए निर्देश। मानव सेवा संस्थान सेवा व यूनाइटेड नेशन से संबंधित संस्था IOM माइग्रेंट लेबर के अधिकारों व उनके परिवार के समन्वित विकास के लिए आयोजित हुआ बैठक। रेडीमेड गारमेंट्स में प्रवासी नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराने की बनी रणनीति। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला उद्योग बंधुओं की मासिक समीक्षा बैठक। उद्यमियों की समस्याओं का गुणवत्ता युक्त ढंग से निस्तारण के दिए निर्देश। कहा शासकीय योजनाओं की पत्रावलियों के निस्तारण में विलंब अक्षम्य। 11 सितंबर को दीवानी न्यायालय परिसर में किया जाएगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने दी जानकारी। शासन के निर्देश पर बुधवार से खुले कक्षा 1 से 5 तक के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल। शिक्षकों और छात्रों में दिखा उत्साह। BSA ने कहा कोरोना प्रोटोकॉल के तहत किया गया शिक्षण कार्य। हर बुधवार पुलिस अधिकारी आपके द्वार के तहत SVCT ने तिवारीपुर थाने पर लगाया रात्रि चौपाल। अपनी समस्याओं से फरियादियों ने SVCT को कराया अवगत। SVCT ने कहा जल्द होगा समस्या का निस्तारण। जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 53 केंद्रों पर 15,651 लोगों को किया गया कोविड का वैक्सीनेशन। फर्स्ट डोज लेने वालों में 11,259 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 4,392 लोग रहे शामिल। CMO ने कहा जिले में अब तक 18,50,000 के ऊपर नागरिकों को किया जा चुका है वैक्सीनेशन। अवश्य लगवाएं टीका जीत का। सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित हुआ नवागत जनपद न्यायाधीश का स्वागत समारोह। माल्यार्पण और बुके देकर किया गया स्वागत। अध्यक्ष ने कहा बार और बेंच में सामंजस्य बैठाकर किया जाएगा बेहतर कार्य। गोरखपुर में बुधवार को नहीं मिला कोई नया कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,395। अब तक 849 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके अपनी जान। 10 हुए एक्टिव मरीज। CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। महानगर कांग्रेस की बैठक में परिश्रम से पराक्रम के तहत होने वाली कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफल बनाने पर की गई चर्चा। महानगर अध्यक्ष ने कहा 3 सितंबर को राष्ट्रीय महासचिव कार्यकर्ताओं से करेंगी वर्चुअल संवाद। और जनपद में सरयू और राप्ती नदी उफान पर एडीएम फाइनेंस ने बताया बाढ़ से जनपद में 243 गाँव हुए प्रभावित। लगाई गई है 350 नावें। किया जा रहा है राहत सामग्री का वितरण।